लगातार दो दिनों से बारिश के कारण राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज के अर्जुन कैंप में एक जानलेवा दुर्घटना हो गई। अर्जुन कैंप अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ एक झुग्गी कैंप है। लगातार बारिश के कारण मंगलवार बुधवार दरमियाने रात लगभग 2:30 बजे अरावली पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर इन झुग्गियों के ऊपर गिर गया, जिसके कारण विनोद नाम के एक शख्स की मौत हो गई। पहाड़ी का यह हिस्सा इतना बड़ा था जिसके गिरने के बाद बड़े बड़े चट्टान इन झुग्गियों के ऊपर गिर गए। रात का वक्त था, लिहाजा विनोद, उनकी पत्नी और 3 बच्चे अपनी झुग्गी में सो रहे थे। चट्टान गिरने के बाद सभी लोग झुग्गी में दब गए। रात में ही दमकल विभाग को इस घटना की सूचना दी गई। दमकल विभाग मलबे में दबे लोगों को निकाल लिया, जिसमें विनोद नाम के एक शख्स की मौत हो गई। वहीं उसके पत्नी और बच्चों को भी चोट आई है। घटना के बाद भी इस जगह की स्थिति बेहद खतरनाक है। चट्टानों पर बना यहाँ कई झुग्गियाँ आने वाले दिनों में हादसे का शिकार हो सकती हैं। एहतियातन दिल्ली पुलिस में कई झुग्गियाँ को खाली करा दिया है। ज़रूरत है इस जानलेवा घटना के बाद ही सही प्रशासन जागरूक हो और खतरनाक तरीके से बने या झुग्गियों को कहीं और शिफ्ट कर वक्त से पहले लोगों की जान बचाई जाए। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, क्या हुआ था कल यहाँ? ये सब 1:45 बजे की बात है, जब जो सिली थे 2 बजे के बाद में जो बच्चे जो हैं यहाँ घर पल्ले घर पे गए थे, वहाँ से हमें उठा कर लेके आए। पग उसके बाद में जब जब हमने यहाँ देखा तो हमारा भाई इसमें दबा पड़ा होता मिट्टी में, और बच्चे वहाँ बैठ पे थे, सो रहे थे। बहू है तो बहू का पेट टूट गया। अच्छा। तब फिर निकाल के एम्बुलेंस के पास में फ़ोन करा, एम्बुलेंस आई है, निकाल के वहाँ एम्बुलेंस में डाल के ले गए। तो आपके भाई की डेथ हो गई है? हाँ जी, भाई की। घर में उस समय सभी सो रहे थे? सो रहे थे सर। अच्छा, ये जो अभी स्थिति है अभी भी खतरनाक है ये यहाँ? हाँ जी, अभी खतरनाक है सर। और आप जो स्थल आप जो देख रहे हो,